Okay, Bismillahirrahmanirrahim. We are about to start our next lecture, which is on the RNA and the vitamins. कल हमने DNA cover कर लिया था, अब हम RNA cover करने लगे हैं. RNA क्या है? Ribonucleic acid. Ribonucleic acid consists होता है ribose sugar के ऊपर, ठीक है? D और जो DNA है उसके अंदर deoxy ribose sugar थी, जो RNA है इसके अंदर ribose sugar है. ये single stranded molecule है, ठीक है? इसका एक ही strand है. It is responsible for putting the genetic information to the work in the cell to build a protein and its role is like a messenger, ठीक है? ये किस चीज के लिए responsible होता है कि जितनी भी हमारी genetic information है उसको work पे डाले cell के अंदर ताकि वो build करे protein. अब genetic information as in के प्रोटीन बनाने के लिए जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमारे सेल के अंदर मौजूद है उसे कलेक्ट करे, उसे सेल के अंदर इंड्यूस करवाए ताकि वो वहां पे प्रोटीन फॉर्मेशन हो. इसका काम जो आरएनए का होता है वो सिर्फ एक मैसेंजर का काम होता है कि एक जगह से मैसेज उठाया, दूसरी जगह तक मैसेज पहुंचाया कि ये काम की इन्फॉर्मेशन आई है और ये काम इस मेथड के थ्रू करना है, और फिर वो काम जाके प्रोटीन बननी है, कार्बोहाइड्रेट बनना है, जो भी बनना है वो उस वो वाला जो काम है उस मेथड के थ्रू जाके उसकी फॉर्मेशन हो जाती है. तो जो आरएनए है वो सिर्फ एक मैसेंजर के तौर पे बिहेव करता है. आरएनए सिंथेसाइज होता है बाय द डीएनए टू ट्रांसमिट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन. आरएनए सिंथेसाइज होता है डीएनए से, ठीक है? ताकि इंफॉर्मेशन जितनी भी है जेनेटिक इंफॉर्मेशन वो ट्रांसमिट की जाए, वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाई जा सके. आरएनए रिसीव रिसीव करता है, रीड करता है, डीकोड करता है और यूज करता है इंफॉर्मेशन टू सिंथेसाइज न्यू प्रोटीन, ठीक है? आरएनए जो है वो क्या करता है, रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन, उठाता है, उसे पढ़ता है ठीक से, उसे डीकोड करता है कि इन्फॉर्मेशन में है क्या, आगे उसको इस्तेमाल करता है गिवन इन्फॉर्मेशन को ताकि कोई भी न्यू प्रोटीन सिंथेसाइज हो सके. आरएनए रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डायरेक्टिंग द सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटीन. जो हमारा आरएनए है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए, फॉर डायरेक्टिंग द सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटीन, कि जितनी भी न्यू प्रोटीन सेल के अंदर बननी है उसको जो है वो बनाने में हेल्प कर सके, ये काम आरएनए का होता है. अब हमारे पास डीएनए है, ठीक है? ये डीएनए है, ये सिंथेसाइज और पास करता है इंस्ट्रक्शन आरएनए को. आरएनए क्योंकि हमारा मैसेंजर है वो सिंथेसाइज करता है तमाम इंस्ट्रक्शंस को, जितनी भी इंस्ट्रक्शन दी जाती है उन सबको उसके अकॉर्डिंग चीज को सिंथेसाइज यानी बनाता है और हमारी प्रोटीन बन जाती है. तो डीएनए बैठा हुआ इंफॉर्मेशन देता है, आरएनए मैसेंजर के तौर पर इसके पास जाते हैं, मैसेज लेता है, इससे लेकर आके इन्फॉर्मेशन सिंथेसाइज करता है, हमारी प्रोटीन की फॉर्मेशन हो जाती है. तो यहां तक हमारा डीएनए और आरएनए का टॉपिक था बेटे. आरएनए से किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो जरा पूछ ले मुझसे, नहीं तो फिर हम विटामिंस की तरफ मूव करते हैं. नहीं, एटीपी का सेम स्ट्रक्चर नहीं होता है एटीपी के अंदर. अच्छा, एटीपी के अंदर जो बेस है, हाँ, नाइट्रोजनस बेस है, तीन फॉस्फेट के ग्रुप लगे हुए हैं. एटीपी का स्ट्रक्चर भी जो एक बेस है ना डीएनए की उससे सिमिलैरिटी रखता है, यानी नाइट्रोजनस बेस और साथ उसका फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच हो डीएनए की बेस के अंदर. तो लेकिन एक सिर्फ यूनिट की बात हो रही है, डीएनए का सिर्फ एक यूनिट एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी के ऑलमोस्ट सेम होता है. और आरएनए से कोई क्वेश्चन? ठीक है, चलें नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने विटामिन्स की तरफ. नाउ 1912 में हॉपकिंस ने नोटिस किया कि दैट इन एडिशन टू द कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड्स फैट्स इन सब के अलावा देर आर अदर सब्सटेंस जो कि नॉर्मल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होते हैं. ऑल दो ये तमाम सब्सटेंस इस्तेमाल होते हैं स्मॉल क्वांटिटी, बहुत कम क्वांटिटी में इस्तेमाल होते हैं, या दी सब्सटेंसेस वर कॉल्ड असेसरी ग्रोथ फंक्शन. इन सब्सटेंसेस को असेसरी ग्रोथ फंक्शन का नाम भी दिया जाता है. ये तमाम सब्सटेंस इस्तेमाल होते हैं बहुत कम क्वांटिटी में, लेकिन इन सब्सटेंस को असेसरी ग्रोथ फैक्टर्स यानी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं उस तरह से कंसिडर किया जाता है. लेटर फंक प्रपोज द नेम विटामिन फॉर दी सब्सटेंसेस. फंक ने आगे विटामिन्स को ये जो सब्सटेंस है इन्हें एक नेम प्रपोज किया था, दैट इज अ विटामिन. ही डिस्कवर्ड दैट विटामिन B1 अथायामीन. और उसने कौन सा विटामिन डिस्कवर किया था? B1, जिसका दूसरा नाम क्या है? थायामीन.
टाइप्स ऑफ विटामिंस, विटामिंस को डिवाइड किया हुआ है हमने दो टाइप्स के अंदर, एक हमारे पास होता है फैट सॉल्युबल और एक होता है वाटर सॉल्युबल। एक ऐसा फैट सॉल्युबल विटामिंस, वो विटामिंस जो सिर्फ फैट्स के अंदर घुल जाए, ऐसे विटामिंस जो सिर्फ पानी के अंदर मिक्स हो जाए, इस तरह की दो कैटेगरीज हमारे पास आ जाती हैं। सॉरी जस्ट अ सेकेंड। नाउ फर्स्ट वी विल स्टडी द फैट सॉल्युबल विटामिन, वो विटामिन जो डिजोल्व हो फैट्स के अंदर उनको फैट सॉल्युबल विटामिन कहते हैं, सच एज विटामिन ए डी ई एंड के। इस तरह के विटामिन आर टेकन इन लार्ज क्वांटिटी, बहुत ज्यादा अमाउंट में इनका इंटेक किया जाता है, ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं बॉडी में और ये कॉज करते हैं डिजीज। अगर तो इन विटामिन की बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन है इनका इनटेक कर लें, तो ये बॉडी में एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में फैट्स होते हैं, फैट में ये सॉल्युबल होते हैं, फैट में जाके ये सॉल्युबल होते हैं, मिक्स होके वहीं पर एक्यूमुलेट होना शुरू कर देते हैं और फिर डिजीज कॉज करते हैं। तो विटामिन ए डी ई एंड के फैट सॉल्युबल विटामिन है। सच एज अगर तो एक्यूमुलेट हो जाए यानी इकट्ठा हो जाए विटामिन डी हमारी बॉडी के अंदर, तो ये कॉज करता है हड्डियों की दर्द, दैट इज बोन पेन, एंड बोन लाइक डिपोजिट इन द किडनी, और पथरी हो जाना किडनी के अंदर, स्टोन्स बन जाना किडनी के अंदर, ये विटामिन डी की बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन की वजह से कॉज होता है। हमने कहा विटामिन ए डी ई और के जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, तो इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है विटामिन ए एंड विटामिन डी। विटामिन ए कहाँ कहाँ से इसके सोर्सेज हैं? डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध दही वाली जितनी भी चीजें हैं वो, एग्स अंडे, ऑयल्स एंड फैट्स, जितने भी ऑयल्स हैं, ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल्स, ये जितने भी ऑयल्स हैं इनमें, फैट्स में, फिश के अंदर, इट कैन ऑल्सो भी ऑब्टेन फ्रॉम द बीटा कैरोटिन फाउंड इन द ग्रीन वेजिटेबल, कैरेट्स एंड लिवर। ठीक है, अब इनका और सोर्स क्या है? बीटा कैरोटीन के साथ ये मौजूद होते हैं विटामिन ए। तो बीटा कैरोटीन कहाँ पे मौजूद है? जितनी भी हमारी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, हमारी गाजर जो होती है और जो कॉर्न होता है, येलो कॉर्न जो होता है उसके अंदर, और लिवर के अंदर। लिवर किसका? जो एनिमल का लिवर जो हम खाते हैं उसके अंदर मौजूद होता है। यूजेस क्या है विटामिन ए के? ये मेंटेन करती है हेल्थ ऑफ एपिथीलियम, हमारे जो एपिथीलियम लेयर होती है उसके मेंटेनेंस में हेल्प करती है। ये एक्ट करती है एज रेटिना डार्क एडेप्टेशन मैकेनिज्म, और ये हमारे जो आंख के अंदर रेटिना होता है उसके मैकेनिज्म को और उसके हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए काम आती है। अगर तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए या कमी हो जाए, तो एक्सट्रीम डेफिशिएंसी के ऊपर यानी एक्सट्रीम कमी के ऊपर नाइट ब्लाइंडनेस यानी रात को ना दिखने की बीमारी और आई इन्फ्लेमेशन यानी आंख के स्वेल हो जाने की बीमारी हो सकती है। सेकेंड हमारे पास विटामिन डी है। विटामिन डी मौजूद होता है फिश लिवर के अंदर यानी मछली के लिवर के अंदर, डेयरी प्रोडक्ट, दूध दही की चीजों में, ऑयल्स में, फैट्स में। विटामिन डी बनता है स्किन के अंदर जब हम सनलाइट में जाते हैं, तो बहुत एक्सट्रीम यूवी लाइट में नहीं, लेकिन यूवी लाइट सॉरी बहुत एक्सट्रीम सनलाइट में नहीं, लेकिन नॉर्मल सनलाइट में बैठने से विटामिन डी हमारे स्किन के अंदर प्रोड्यूस होता है। हैज अ रोल, विटामिन डी का रोल है इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में, बॉडी के अंदर कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में, जो कि बहुत असेंशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द हेल्दी बोन, जो कि हड्डियों को बेहतर बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी की कमी की वजह से जो बीमारी हो सकती है वो है रिकेट्स, यानी बोन का बहुत कमजोर होकर ब्रेक हो जाना या डिजोल्व हो जाना बॉडी के अंदर। तो ये टेबल इज इम्पॉर्टेंट। विटामिन ए के सोर्सेज हैं हमारे पास, विटामिन ए के यूजेज हैं, विटामिन ए के डिजीजेस हैं। इसी तरह से विटामिन डी के सोर्सेज हैं, विटामिन डी के यूजेज हैं, विटामिन डी के डिजीजेस हैं। नाइट ब्लाइंडनेस, आई इन्फ्लेमेशन विटामिन ए की कमी की वजह से, और रिकेट्स विटामिन डी की कमी की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास जो कैटेगरी है दैट इज द वाटर सॉल्युबल विटामिंस। ऐसे विटामिंस जो डिजोल्व हो जाए पानी के अंदर उनको वाटर सॉल्युबल विटामिंस का नाम दिया जाता है। ये विटामिंस बी कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है, दिस इंक्लूड 10 विटामिंस एंड विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। जो वाटर सॉल्युबल है उनके अंदर सिर्फ दो विटामिंस आते हैं, द विटामिन बी एंड विटामिन सी। विटामिन सी का दूसरा नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, और विटामिन बी के अंदर 10 और विटामिंस आते हैं, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9 एंड B10, और B11 भी एक आता है बीच में, ठीक है। तो ये जो बी कॉम्प्लेक्सेस हैं इनके अंदर बी विटामिंस हैं, और विटामिन सी का दूसरा नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। वाटर सॉल्युबल विटामिंस रैपिडली एक्सक्रीट हो जाते हैं बॉडी से, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में ज्यादा फैट्स है, तो फैट सॉल्युबल नहीं है, वो वाटर सॉल्युबल है। वाटर सॉल्युबल होंगे तो हम यूरिनेशन के दौरान वाटर सॉल्युबल विटामिंस आराम से बॉडी से रिलीज आउट या बाहर आ जाते हैं।
हेंस दीज वाइटामिन्स आर नॉट टॉक्सिक, ये वाइटामिन्स बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं है इवन इफ दे टेकन इन लार्जर क्वांटिटी। तो अगर हम वाइटामिन बी या वाइटामिन सी की यानी वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स की इनटेक अगर बहुत ज्यादा कर भी लें तो ये हमें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते क्योंकि ये बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, उसी टाइम ये बॉडी में वाटर के अंदर मिक्स होते हैं और रिलीज हो जाते हैं। हाउएवर देयर डेफिशिएंसी कैन कॉज द डिजीजेस, लेकिन अगर उनकी डेफिशिएंसी हो तो वो डिजीज जरूर कॉज कर सकता है। सो नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द विटामिंस, विटामिंस की इंपॉर्टेंस क्या है? हर विटामिन प्ले करता है सॉरी इम्पॉर्टेंट रोल इन हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ आर बॉडी। हमारी बॉडी की बहुत ज्यादा जो हेल्दी डेवलपमेंट है उसके लिए हर वाइटामिन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेचुरल वाइटामिन आर ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंसेस फाउंड ओनली इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स, आर बॉडी इज अनएबल टू सिंथेसाइज वाइटामिन। हमारी बॉडी वाइटामिन नहीं बना सकती, ये जो बॉडी है वो अनएबल है टू सिंथेसाइज द वाइटामिन। तो जो नेचुरल वाइटामिन हैं और वो ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंस में प्रेजेंट होते हैं और वो प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में एनिमल्स में और हम वो कंज्यूम कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस, इस वजह से कि हमारी बॉडी खुद वाइटामिन प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, दे मस्ट बी सप्लाइड ईदर डायरेक्टली इन द डायट और बाय द वे ऑफ द डायट्री सप्लीमेंट। तो इनके दो तरीके हैं, या तो हम डाइट से इनको कंज्यूम कर लें या फिर डायट्री सप्लीमेंट से ले लें। दे आर एब्सोल्यूटली नेसेसरी फॉर आर नॉर्मल ग्रोथ। ये जितने भी वाइटामिन है जिन्हें हम वेदर डाइट से लें या फिर डायट्री सप्लीमेंट से लें, ये बहुत जरूरी होते हैं हमारी अपनी नॉर्मल ग्रोथ के लिए। जो वाइटामिन हैं कैन नॉट बी एसिमिलेटेड विदाउट इंजेस्टिंग फूड। जो वाइटामिन हैं उसे एसिमिलेट नहीं करवाया जा सकता तब तक जब तक हम फूड को इंजेस्ट ना कर लें। एसिमिलेट मतलब बाहर नहीं निकाला जा सकता। दैट इज वाई ये सजेस्ट किया जाता है कि वाइटामिन को मील के साथ लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम मील के साथ यानी खाने के साथ लेंगे तो खाने के साथ ही डाइजेस्ट होंगे, खाने के साथ डाइजेस्ट होंगे तो उन्हें तोड़ के जो भी एनर्जी हमने लेनी है और जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हमने रिलीज करवाना है वो हो जाएगा। दे हैव टू रेगुलेट आवर बॉडी मेटाबॉलिज्म, या हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। सो अब ये कुछ सवाल हैं रिलेटेड टू द विटामिंस एंड द डीएनए आरएनए टॉपिक। पहला है कि क्या डिसएडवांटेजेस हैं फैट सॉल्युबल विटामिंस के, डिसएडवांटेजेस हमारे पास क्या हैं, नुकसान क्या हैं। तो फैट सॉल्युबल विटामिंस के नुकसान ये होता है कि ये हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है फैट्स के अंदर और इसके हाई स्टोरेज एक्यूमुलेशन की वजह से डिजीज कॉज हो सकती है। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिंस, वाटर सॉल्युबल विटामिंस के एडवांटेजेस क्या है, सॉरी एडवांटेजेस वाटर सॉल्युबल विटामिंस के क्या है, ये हैं कि वाटर वाटर जो है ये हेल्प करते हैं बॉडी के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए, ये नेसेसरी है हमारी नॉर्मल ग्रोथ के लिए। ठीक है, ये एडवांटेजेस हैं वाटर सॉल्युबल के। गिव द एग्जांपल ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन, हमें पता है विटामिन बी और सी को छोड़ के जितने बाकी विटामिन है विटामिन ए डी ई और के आर द फैट सॉल्युबल विटामिंस, व्हाइल द विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस व्हिच इंक्लूड द 10 मोर विटामिंस एंड द विटामिन सी आर वाटर सॉल्युबल विटामिंस। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड के क्या कंपोनेंट है, डीएनए आरएनए राइबोस शुगर और सारी चीजें हम इसमें लिखेंगे। डीएनए का फंक्शन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना, आरएनए का वाई आरएनए इज कॉल्ड मैसेंजर क्योंकि आरएनए डीएनए से इन्फॉर्मेशन लेके जाता है, उसको पढ़ता है, उसको डीकोड करता है, उसको ट्रांसफॉर्म करता है, नया प्रोटीन बनाता है। ये सारा काम क्योंकि आरएनए का है तो आरएनए मैसेंजर के तौर पे बिहेव करता है। एनी क्वेश्चन टिल हियर बेटा? What's up dudes and what's up ladies? Brian again, and in this video we are going to discuss vitamins. We're going to discuss what they are, how many different vitamins there are, and the two categories of vitamins. So, let's roll. So, what exactly are vitamins? Vitamins are non-caloric micronutrients that are needed in small amounts for normal body functions. The best way to consume vitamins is through a variety of nutrient-dense foods. Supplements can be used to treat certain health concerns, but there's insufficient evidence of any nutritional benefit in healthy people. However, if supplements are consumed, choosing a whole food-based vitamin may be a viable option. There are a total of 13 vitamins, which are divided into two categories. Water-soluble, which includes vitamin Bs and C, and fat-soluble vitamins, A, D, E, and K. Water-soluble vitamins cannot be stored in the body, except for B6 and B12. And are readily excreted if not used. B6
Because water-soluble vitamins are not stored in the body, consistent daily intake is important to avoid deficiencies. Water-soluble vitamins are necessary for enzymes involved in metabolism. Without water-soluble vitamins, the enzymes will not work. Unlike water-soluble vitamins, fat-soluble vitamins can be stored in the body for extended periods of time and later excreted. This storage usually occurs in the liver and adipose tissue. The ability for the healthy body to store fat-soluble vitamins decreases the risk of deficiencies. However, overconsumption can lead to toxicity, also referred to as hypervitaminosis. When consuming our vitamins through foods, the risk of overconsumption is extremely rare. The risk of toxicity usually occurs through high amounts of supplementation. In our vitamin video series, we will be giving each vitamin a rating of 1 to 5, 1 representing little concern and 5 for greatest concern. This is based on if most people are getting enough through their diet. Bottom line, we're going to be discussing the benefits and sources of individual vitamins in future videos. A, C, E, D, B, K. No, this isn't some random out-of-order alphabet. These are vitamins. And just like letters build words, they're the building blocks that keep the body running. Vitamins are organic compounds we need to ingest in small amounts to keep functioning. They're the body's builders, defenders, and maintenance workers, helping it to build muscle and bone, make use of nutrients, capture and use energy, and heal wounds. If you need convincing about vitamin value, just consider the plight of olden day sailors who had no access to vitamin-rich fresh produce. They got scurvy, but vitamin C, abundant in fruits and vegetables, was the simple antidote to this disease. While bacteria, fungi, and plants produce their own vitamins, our bodies can't, so we have to get them from other sources. So how does the body get vitamins from out there into here? That's dependent on the form these compounds take. Vitamins come in two types, lipid-soluble and water-soluble, and the difference between them determines how the body transports and stores vitamins and gets rid of the excess. The water-solubles are vitamin C and B-complex vitamins that are made up of 8 different types that each do something unique. These are dissolved in the watery parts of fruits, vegetables, and grains, meaning their passage through the body is relatively straightforward. Once inside the system, these foods are digested, and the vitamins within them are taken up directly by the bloodstream. Because blood plasma is water-based, water-soluble vitamins C and B have their transport cut out for them and can move around freely within the body. For lipid-soluble vitamins, dissolved in fat and found in foods like dairy, butter, and oils, this trip into the blood is a little more adventurous. These vitamins make it through the stomach and the intestine, where an acidic substance called bile flows in from the liver, breaking up the fat and preparing it for absorption through the intestinal wall. Because fat-soluble vitamins can't make use of the blood's watery nature, they need something else to move them around. And that comes from proteins that attach to the vitamins and act like couriers, transporting fat solubles into the blood and around the body. So this difference between water or fat-soluble vitamins determines how they get into the blood, but also how they're stored or rejected from the body. The system's ability to circulate water-soluble vitamins in the bloodstream so easily means that most of them can be passed out equally easily via the kidneys. Because of that, most water-soluble vitamins need to be replenished on a daily basis through the food we eat. But fat-soluble vitamins have staying power because they can be packed into the liver and in fat cells. The body treats these parts like a pantry, storing the vitamins there and rationing them out when needed, meaning we shouldn't overload on this type of vitamin because the body is generally well-stocked. Once we've figured the logistics of transport and storage, the vitamins are left to do the work they came here to do in the first place. Some, like many of the B-complex vitamins, make up coenzymes, whose job it is to help enzymes release the energy from food. Other B vitamins then help the body to use that energy. From vitamin C, you get the ability to fight infection and make collagen, a kind of tissue that forms bones and teeth and heals wounds. Vitamin A helps make white blood cells, key in the body's defense,
helps shape bones, and improves vision by keeping the cells of the eye in check. Vitamin D gathers calcium and phosphorus so we can make bones. And vitamin E works as an antioxidant, getting rid of elements in the body that can damage cells. Finally, from vitamin K, we score the ability to clot blood, since it helps make the proteins that do this job. Without this vitamin variety, humans face deficiencies that cause a range of problems, like fatigue, nerve damage, heart disorders, or diseases like rickets and scurvy. On the other hand, too much of any vitamin can cause toxicity in the body. So there goes the myth that loading yourself with supplements is a great idea. In reality, it's all about getting the balance right and hitting that vitamin jackpot. Vitamins, their sources, and deficiency diseases. Vitamin A is soluble in oils and fats, but insoluble in water. It is essential for growth and vision. Vitamin B1 is soluble in water and destroyed by heat. Vitamin B2 is soluble in water. It is stable to heat and destroyed by light. Deficiency of vitamin B6 causes nervous disturbances and convulsions. Vitamin B12 is soluble in water and also contains cobalt. It is red crystalline in nature. Vitamin C is soluble in water. It is destroyed by cooking and exposure to air. It maintains healthy skin and helps in development of body resistance against diseases. Vitamin D is soluble in fats and oils, but insoluble in water. It is stable towards heat and oxidation. Vitamin E is soluble in fats and oils, but insoluble in water. It is stable to heat and oxidation. Vitamin H is neither soluble in fat nor in water. Vitamin K is soluble in fats but insoluble in water. It is stable to heat and oxidation. चलें बेटे कि अब ये हमारा आज विटामिंस और आरएनए का टॉपिक भी वाइंड अप हो गया है. कल हमारी इस सेशन की लास्ट क्लास है, तो हम वाइंड अप करेंगे पूरा चैप्टर की रिवीजन, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस, इसके इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को. बेटे कोई भी चीज अभी यहाँ तक पूछनी हो तो मेरे से पूछ लें. ठीक है बेटे, आप